कई महापुरुष ये कह चुके हैं कि एक ही हथियार है जो समाज और देश को बदल सकता है, वो है शिक्षा। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टेयरिंग होता है उसमें, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टेयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टेयरिंग बदल दे। हम फिजिकली भी स्ट्रांग हो तो हम मेंटली भी स्ट्रांग होंगे। हम समाजवादी लोग भरोसा दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश की आने वाली पीढ़ी को मेंटली स्ट्रांग करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जहां हमारे लोग स्वस्थ होंगे और उन्हें शिक्षित किया जाएगा, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जो हम फिजिकली फिट होंगे, फिजिकली स्ट्रेंथन करेंगे, अगर हम फिजिकली भी स्ट्रांग हो तो हम मेंटली भी स्ट्रांग होंगे। हम समाजवादी लोग भरोसा दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश की आने वाली पीढ़ी को मेंटली स्ट्रांग करेंगे और शिक्षा से भी उनको और मजबूत और अच्छा बनाने का काम करेंगे। कई महापुरुष ये कह चुके हैं कि एक ही हथियार है जो समाज और देश को बदल सकता है, वो है शिक्षा। जिस समय हमारे समाज शिक्षित होगा, सही और गलत का हम फैसला कर पाएंगे, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और आज के माहौल में अगर हम ये बात कहें तो सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है किसान नौजवानों के बाद, तो वो हमारे शिक्षक हैं। पढ़े लिखे नौजवान हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं। ये विभाग ऐसा है, अगर हम देखें प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा, हायर एजुकेशन, आपके पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आप सोचो कितना बड़ा समाज का हिस्सा है जो इसी से बनता बिगड़ता है। आज उत्तर प्रदेश में किसी भी स्तर पर अपॉइंटमेंट हो, टॉप से लेकर के नीचे तक, सब पर प्रश्न लग रहे हैं, उंगली उठ रही है। जितने शिक्षकों की भर्ती हो जानी चाहिए थी, अभी भी सरकार उतने शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रही है। जिन लोगों को मिल गया हाई कोर्ट से, सरकार ऐसी साजिश और षड्यंत्र रच रहा है कि उन्हें नौकरी न मिल जाए। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के तहत जो अधिकार और हक है, उसको भी छीनने का काम सरकार कर रही है। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टेयरिंग होता है उसमें, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टेयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टेयरिंग बदल दे। देखिए, जब तक संगठन नहीं होगा, आपकी पार्टी राष्ट्रीय नहीं बनेगी। जब तक आपके पास संगठन नहीं होगा तो कोई भी आपको साथ लेकर के नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी का जो सपना है, समाजवादियों का जो संकल्प था, उस पर काम कर रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बने। नेताजी खुद शिक्षक थे, वो एक शिक्षक की परेशानी और उनका दुख दर्द वो समझते थे। और उसका परिणाम यह हुआ, जब भी वो सरकार में आए तो शिक्षकों की समस्या का समाधान किया। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा हमारे समाज को सोचने समझने से लेकर के आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। और वही मुल्क, वही देश, वही समाज आगे बढ़ता है जिसमें शिक्षा दी जाती है अच्छी, और जिसमें शिक्षकों का सम्मान होता है। कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का योगदान, और उन्होंने पूरे जीवन भर देश को और देश का कैसे सम्मान बढ़े, उस पर उन्होंने जीवन भर काम किया। हमें याद है कि उनका जो काम देखने को मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी
जहां वो स्कॉलर थे, टीचर थे, वाइस चांसलर थे, राष्ट्रपति थे, भारत रत्न से सम्मानित थे, वो इंजीनियर भी थे। और जो मैसूर का वृंदावन गार्डन है वो विशेष टेक्नोलॉजी से, और उस समय जो योगदान था उसका परिणाम है आज भी हम लोग उनको याद करते हैं।